जो गाड़ी में समस्या आ रही है वो गाड़ी का व्हील आवाज कर रहा है, तो मेरे ख्याल से जो इसका व्हील बेयरिंग है या व्हील असेंबली बोलते हैं जिसे अपन, ठीक है, वो जा चुका है, खराब हो गया है। उसमें जो अंदर बेयरिंग होती है, गोलियां होती है ना, वो कट जाती हैं। तो अभी वो कितने टायरों का गया है, एक का गया है या अगले दोनों का चला गया, वो देखना पड़ेगा यार, ठीक है, सर्विस सेंटर जाके देखते हैं। दूसरी प्रॉब्लम है अपनी गाड़ी में, अपने गाड़ी के डिस्क ब्रेक ख़त्म हुए पड़े हैं, बट मैं उन्हें फिर भी चला रहा हूँ, और वो मेरी गलती की वजह से कहीं ना कहीं ख़राब हुए हैं, क्योंकि एक बार मैंने बाहर से इसमें ब्रेक पैड डलवा लिए थे जो कि लोकल थे, और फिर वो आवाज़ करने लग गए थे कुछ दिनों बाद, जल्दी घिस गए थे, और आवाज़ करने के बाद भी मैंने उनको चेंज नहीं कराया, तो उसकी वजह से क्या है, व्हील जो डिस्क ब्रेक की जो प्लेट थी ना वो कट गई, तो आज उसको भी चेंज कराएंगे, और जो ब्रेक पैड हैं उनको भी चेंज कराएंगे, और नेक्सा से काम कराएंगे, इस बार लोकल काम नहीं कराएंगे, पहले गलती हो चुकी है एक बार, तो दोबारा गलती नहीं करेंगे इस बार। तो देखते हैं क्या बिल बनता है, क्या कॉस्ट आती है। तो ये जो आगे के टायर है ना, ये हिलते हैं, और ये इशू मैंने पहले भी मतलब रिजॉल्व करवाया था, वो कौन सी कैलिपर पिन होती है, कैलिपर पिन बदलवाई थी पहले। तो भाई गाड़ी चेक कर लिए इन्होंने, तो भाई 25 मिनट हो गई है, गाड़ी तो ठीक हो नहीं रही, कॉफ़ी पी लेते हैं। तो फाइनली भाई आधे घंटे के बाद अपना नंबर आ गया है, देखते हैं गाड़ी में क्या इशू होता है। उठ गई कितनी ऊपर, नीचे मत जा, नीचे मत जा अभी। तो भाई गाड़ी में हो गया मोटा खर्चा, ये देखो डिस्क के यहाँ से जो ये ब्रेक पैड है, ये लोकल डलवाए थे मैंने, और ये हो गए ख़राब, घिस गए हैं, और डिस्क भी ख़राब हो चुकी है, पूरी डिस्क ख़राब हो चुकी है, तो डिस्क भी बदलेगी और ये भी चेंज होगा, और एक व्हील बेयरिंग भी गया पिछले टायर का, ये देखो यहाँ से ये सारा घिस गया है। तो ये बाहर से डलवा लिया था, तो मैं आप लोगों को सजेशन दूंगा, तो बाहर से गाड़ी के ये पार्ट्स ना डलवाएं, ये असल में लोकल होते हैं तो जल्दी ख़राब होते हैं। तो ये सारा सामान आ चुका है, और ये ब्रेक पैड डिस्क ब्रेक के साथ लगेंगे तो 2050 के, और ये हब असेंबली मतलब व्हील बेयरिंग एक व्हील का 3600 का, और ये दो डिस्क ब्रेक हैं फ्रंट के, तो एक डिस्क ब्रेक है 1100 रुपये का, इसको लगेंगे। डिस्क ब्रेक की अनबॉक्सिंग करके दिखा देता हूँ, अब डिस्क ब्रेक ये देखो नई डिस्क, देखो कैसी, तो पुरानी और नई में क्या फर्क है भाई, पुरानी कहाँ है, लेके आओ पुरानी, लेके आओ पुरानी वाली, लेके आओ पुरानी वाली डिस्क में, ये रही भाई, इस पे लाइनिंग आ गई ना, इस पे नहीं है, ये प्लेन है। तो भाई ये ब्रेक पैड है 2050 रुपये के, बलेनो के डिस्क के साथ लगेंगे, तो उनकी भी होगी भाई अनबॉक्सिंग, कितने 4 लगते हैं पूरे, 2, 3, 4। एक गलती और करिए, ये नया वाला ये पुराना वाला, ये ख़राब किस वजह से हुआ है, ये जो एक तो ब्रेक पैड बिल्कुल ख़त्म हो जाता, ब्रेक पैड ख़त्म हुए पड़े थे, मैंने बदलवाए नहीं थे, वो लापरवाही हुई है ना, उसकी वजह से ही कटा है। तो भाई ब्रेक पैड की आवाज़ आए कभी भी ना, तो अपना चेंज करा लो। तो वो गाड़ी हो गई ठीक, क्या क्या डले भाई, डिस्क ब्रेक डले अपने, है ना, दो ब्रेक पैड, ब्रेक डिस्क, ब्रेक पैड, ब्रेक डिस्क, व्हील बेयरिंग, ये 3 चीज डली है ना। हाँ, तो अभी बिलिंग करवाई नहीं है, तो भाई अभी चला के देख रहे हैं, कोई इशू होगा क्लियर हो जाएगा। तो भाई गाड़ी की टेस्टिंग हो गई कंप्लीट, और गाड़ी हो गई सही, कोई दिक्कत नहीं आई, भाई ने टेस्ट करके देख लिया, और अभी गाड़ी की सर्विसिंग भी ड्यू है, बट अपने पास टाइम नहीं है, इसलिए अपन इसका एयर फिल्टर एंड एसी फिल्टर चेंज करा रहे हैं बस फिलहाल, जब टाइम मिलेगा
तब सर्विसिंग कराएंगे और सर्विसिंग पे भी वीडियो बनाएंगे। इसके बाद मैं आपको एक बार बिल दिखा देता हूँ, बिल कितने का बना है भाई। ये एयर फिल्टर का इतना बुरा हाल हुआ पड़ा, ये फूंक मारने से कुछ नहीं होगा, इसका खत्म है ना। ठीक, सर्विसिंग ड्यू थी 15,000 चल गई थी गाड़ी। एसी फिल्टर ये सही है, ए सी फिल्टर भी बदल ही देते हैं ना। तो ए सी फिल्टर भी गया और ये भी गया, दोनों चीज़ बदल देते हैं। लिया ना डब्बे लिया ना, सर्विसिंग का टाइम नहीं है जैसा कि, तो इसलिए अभी जल्दबाजी में यही ठीक रहेगा, ये दोनों चेंज करा लेते हैं। ठीक है, जिससे कूलिंग बढ़िया हो गाड़ी में और एयर सही मिल जाएगा कार को। कितना रेट है इसका? 440 रुपये एयर फिल्टर। और एसी फिल्टर? एसी फिल्टर भाई 575 का। सर भाई अनबॉक्सिंग कर, नया और पुराना अलग बदल। एसी वाले के साथ ये भी फ्री आता है? चलो भाई कुछ तो फ्री आया, फ्री चीजें बहुत अच्छी लगती हैं है ना। तो ये फ्री आया भाई। एसी फिल्टर भी दिखा देता हूँ मैं, बलेनो का छोटा सा है, 575 रुपये कॉस्ट, कुछ भी नहीं है और है भाई। इसकी लागत तो मेरे ख्याल 100-200 रुपये में बनता होगा नहीं, क्योंकि जो मटेरियल है अलग है कुछ, पर फिर भी बहुत कॉस्टली है 575 जिस हिसाब की ये चीज है। तो भाई ये शॉर्ट में हमने सर्विसिंग कर लिए, गाड़ी का तोड़ निकाला है, सर्विसिंग अभी करा नहीं सकते क्योंकि टाइम नहीं है ना इनके पास ना अपने पास, 5 बज गए। अभी सर्विसिंग कराने बैठेंगे तो ये करेंगे भी नहीं, मना कर देंगे, कल का टाइम देंगे तो इसलिए, और मैं कल जा रहा हूँ कहीं बाहर तो इसलिए हम एसी फिल्टर एंड अपना एयर फिल्टर चेंज करा लिया है। चलो क्या, तो भाई ये बिल बना है देख सकते हैं आप यहाँ पर। तो भाई ये बिल तैयार हुआ है, 9,890 रुपये लग गए आज, और ये नीचे GST दे रखा है यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर पार्ट्स कितने कितने के लगे हैं देखो, ये मेंशन है रेट, तो किसी भाई को चेक करना हो तो यहाँ से आप देख सकते हैं, 9,890 रुपये का खर्चा है। तो भाई फाइनली हम आए थे 2 बजे और अभी हो गया टाइम 5:30 हो गया, 5:40 पे हम फाइनली फ्री हो गए और निकलेंगे। गाड़ी का तो भाई ऐसा काम है, छोटा सा काम कराने आओ और इतना टाइम लग जाता है ना भाई, बहुत टाइम लगता है ना।